डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि व्हेन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर एट्सेट्रा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन सो एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड चेंज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस देते हैं तो वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ताकि वो स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो जाए। यानी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए, यानी उसका असर जो है वो नलिफाई हो जाए। समझ में आया ना? तो ये है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं लिखता हूं ऐसे, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये है एक्चुअल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन, मान लीजिए जो एक इक्विलिब्रियम पे है, यानी इसने इक्विलिब्रियम अटेन किया है। अगर मैं यहां से कुछ स्ट्रेस देता हूं, क्या देता हूं? स्ट्रेस। समझ में आना चाहिए, चाहे मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, कंसंट्रेशन बढ़ा दूं या प्रेशर बढ़ा दूं या कुछ और, तो ये सिस्टम इस तरह भागेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये सिस्टम इधर आ जाएगा। यानी अगर इस डायरेक्शन में स्ट्रेस बढ़ जाता है तो सिस्टम जो है वो, या मैं बोलूँगा जो रिएक्शन है वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स राइट, या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट यानी टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पे स्ट्रेस मिल जाता है तो ये आ जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट यानी टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। यहाँ तक तो ईजी है ना? अब देखो, समझाता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम साथ साथ में और हम देखेंगे डिफरेंट इफेक्ट्स भी। सबसे पहले देखता हूं मैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, यानी कंसंट्रेशन किस तरह चेंज लाएगा? ठीक, नंबर वन, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक रिएक्शन की। उस रिएक्शन का नाम है हैबर्स प्रोसेस। ये बहुत ही बार हमने इसमें पढ़ा, ये बार बार हम उठा रहे हैं और मुझे मजा आ रहा है इसमें इसकी एग्जांपल देने में, क्योंकि इजी अंडरस्टैंड भी हो जाता है। इस पर बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बनाता है टूआइस NH3 अमोनिया। इसके ऊपर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, हम कंसंट्रेशन घटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर मैं इस यहां पे इस रिएक्शन में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो इसका मतलब मैं इस तरफ स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं। यानी अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो सिस्टम जो है ये कोशिश करेगा कि रिएक्टेंट्स को कम करने की, ताकि स्ट्रेस कम हो जाए और ये राइट की तरफ जाएगा। अगर मैं यहां की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो ये इधर की तरफ जाएगा। यानी अगर मैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो तब क्या होगा, रिएक्शन कहां होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। या मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्योंकि मैंने इसमें यहां से बढ़ा दिया स्ट्रेस। अब मैं अगर यहां से स्ट्रेस बढ़ा देता हूं, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, तब ये रिएक्शन कोशिश करेगा कि इसके नंबर ऑफ मोल्स या इसकी कंसंट्रेशन कम कर दे, तो उसको कम करने के लिए कहां भागेगा, इधर, क्योंकि कंसंट्रेशन में स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट की बढ़ा रहा हूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, तो उस सूरत में ये सिस्टम कहां भागेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड मतलब टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। समझ में आना? श्योर। अब देखो, अगर मैं इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट देखता हूं, किसका, वॉल्यूम का या प्रेशर का इफेक्ट देखता हूं,
तो तब क्या होगा? चलो चलो मैं यहां पे दूसरा इफेक्ट दिखता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलो ये रिएक्शन लेंगे और हम देखेंगे इस पे प्रेशर का इफेक्ट क्या है। मेरी बात समझ लेना और साथ साथ में देखूंगा मैं वॉल्यूम का भी इफेक्ट। देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम साथ में देखेंगे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, समझ में आना? वॉल्यूम यानी जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे, क्लियर, जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर करता है डिपेंड, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, राइट? यानी जितने गैसियस मोल्स या मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, उतना उस सिस्टम का प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में ये सिस्टम है, इतना सिस्टम, ठीक, इतना सिस्टम है ये, और इसमें मैंने गैस रखी है, इसमें इतना वॉल्यूम है और एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा। अगर मैं इसमें इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कम कर देता, मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, इसको मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, तो इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना? अगर मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं वॉल्यूम इतना कर देता हूँ, तो गैस मॉलिक्यूल्स को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएंगे और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, राइट? यहाँ तक तो ठीक है ना? इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल उल्टा है। प्रेशर का जिस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा उसके रिवर्स डायरेक्शन में वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। क्लियर? अब मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज एक रिएक्शन है मेरे पास, यही रिएक्शन N2+3H2, इट गिव्स NH3। ठीक, अब देखो प्रेशर मैंने कहा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, या नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। यहाँ पे मोल्स जो बन रहे, इसका एक मोल, इसकी तीन मोल, यहाँ पे चार गैसियस मोल्स प्रोडक्ट साइड में बन रहे हैं, सिर्फ दो ही। तो इसका मतलब ये जब बनेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये जब बनेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ? प्रेशर बढ़ाता हूँ। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ? प्रेशर इंक्रीज। तो सिस्टम क्या चाहेगा? सिस्टम चाहेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो जाए ताकि इसका जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए। क्लियर? तो प्रेशर कब डिक्रीज होगा? इस डायरेक्शन में जाने से कि इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाने से प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना? और अगर मैं प्रेशर घटाता हूँ तो ये इधर इस तरह से। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, वॉल्यूम अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स रिलैक्स हो जाएंगे, यानी प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब सिस्टम चाहेगा कि प्रेशर बढ़ाना। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ बढ़ेंगे? जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनेंगे। तो मैं बोलूँगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाएगा, राइट? यहाँ तक तो काफ़ी है, शाबाश। अब लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और टेम्परेचर, ठीक है? लेकिन ये इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये आप मुझे बताओ, आप बताओ पहले, उसके बाद में मैं आंसर बताता हूँ। देखो ये है 2SHI, ये डिकम्पोज हो रहा है और बना रहा है H2+I2। आप मुझे बता, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ या वॉल्यूम कम कर दूँ तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? शाबाश, फिलहाल मैं दिखाता हूँ रिएक्शन आपको। 2SHI ये भी गैस है, प्लस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। आप मुझे थ्योरेटिकली बताओ कि ये रिएक्शन पे अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? शाबाश, रिएक्शन बढ़ाएंगे तो ये चाहेगा कि
प्रेशर कम हो जाए। प्रेशर कम कब होगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसमें प्रोडक्ट में दो मोल्स बन रहे हैं ना, और रिएक्टेंट में भी दो मोल्स, इसका मतलब प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो इफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है चेंज नहीं हो रहे, ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ना बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? फिलहाल इतना। अब लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। अब देखते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, असर होगा इस पर, ठीक है? यह है तीसरा पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन ए प्लस बी, और इस रिएक्शन को मैं जब हीट देता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सी प्लस डी में, यानी रिएक्शन जो ये हाई टेम्परेचर पे हो जाता है। क्लियर? तो मैं बोलूंगा ये जो रिएक्शन है जब भी यहां से यहां जाता है तो ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। क्लियर? अब अगर मैं सी और डी को वापस इधर कन्वर्ट कर दूं, सपोज मैं सी और डी को वापस कन्वर्ट करता हूं कहां पे, ए प्लस बी में, समझ में आया ना? जब ये वापस यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो हीट हमने दी थी इसको ये वापस दे देगा, यानी प्लस हीट। तो मैं ये कहूंगा कि इस डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाती है तो ये है एक्सोथर्मिक। अब एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक और दूसरा है एक्सोथर्मिक। क्लियर? समझ में आया? एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक, दूसरा है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कब है? एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सोथर्मिक कब है? एक्सोथर्मिक है रिवर्स डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कोशिश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये हीट जो है एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं, टेम्परेचर क्या करता हूं, डिक्रीज, तो रिएक्शन कोशिश करेगा कि ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये टेम्परेचर वहीं से वापस दे देता है। समझ में आया? शाबाश। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है, सपोज एन टू प्लस थ्राइस एच टू जो है ये बनाता है अमोनिया, है ना, NH3 ट्वाइस। लेकिन ये रिएक्शन जो ये एक्सोथर्मिक है, यानी इसके साथ में ये हीट भी देता है। अगर मैं यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दूं, अब मुझे बताओ कि रिएक्शन कहां पे होगी? ये इसका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट लेफ्ट को होगा, यानी टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स होगा कि टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। तो मैं ये बताऊंगा कि इसका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम हीट बढ़ाने के बाद में ये इधर जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन में? ये हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ये टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स, राइट? समझ में आया? क्लियर? अब देखो, अब चौथा पॉइंट जो है वो देखते हैं हम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। चौथा पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिखता हूं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या असर पड़ेगा? देखो, आपने सुना होगा कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट वो चेंज करता है, चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन, बट इट कैन नॉट शिफ्ट या चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये याद रखना, कैनॉट चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ये इसको शिफ्ट नहीं करा सकता, इक्विलिब्रियम को इसकी पोजिशन चेंज नहीं करा सकता, यानी ना तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ना ही रिवर्स डायरेक्शन में। इतना तो ध्यान में रखना, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है, क्योंकि कैटलिस्ट जब हम डालते हैं तो कैटलिस्ट से क्या होता है, यहां का जो रिएक्शन बैरियर है, मैं यहां पे दिखाता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी,
ठीक, इसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ता है तब जाके बनता है C plus D, राइट। मेरी बात समझ में आ रही ना, तो C plus D। अब इस रिएक्शन को अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूं तब जाके ये बनेगा ये। अब अगर मैं कैटलिस्ट डालता हूं तो क्या होता है, कैटलिस्ट डालने से इसका जो पाथ है वो ऐसे चेंज हो जाता है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए ये इस पहाड़ में टनल कर देता है। अब ये जो A+B, इसको अब यहां से यहां जाना और सीधा फास्ट हो जाएगा इसमें कन्वर्ट। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या होगा, ये A और B भी यहां पे फास्ट जाएगा और C और D को भी ये पहाड़ क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, ये भी यहां से यहां फास्ट जाएगा। यानी कैटलिस्ट जो है वो स्पीड बढ़ाता है दोनों डायरेक्शन में, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं बढ़ाता, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो फास्ट अटेन हो जाता है। क्लियर, ये हो गई बात, शाबाश। अब देखते हैं हम और एक, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, यानी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। पांचवा पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल लिखूंगा, मटेरियल यहाँ पे गैस ही लेंगे क्योंकि गैस से थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या हो सकता है, ये हीलियम भी हो सकता है और नियॉन या एर्गॉन भी हो सकता है, यानी जो रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व ना हो, यानी जो खुद रिएक्ट ना करे। क्लियर, तो वही गैस लेंगे जो रिएक्शन के साथ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट ना करे। क्लियर, और उनका असर देखते हैं हम क्या होता है। और ये जो असर है इनका, इनका जो इफेक्ट है, ये अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे। एक कंडीशन में रखेंगे हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मैं लिखूंगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखेंगे रिएक्शन मिक्सचर, उसके बाद में देखेंगे इनर्ट गैस का असर क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे दूसरा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले लेते हैं हम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी हमने वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर दिया। वॉल्यूम फिक्स करने का मतलब आपने ये कंटेनर ले लिया, इसमें वी जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक, वी कॉन्स्टेंट हो गया, वी कॉन्स्टेंट हो गया। तो अगर मैं दूसरी बात देखूं, टी जो है वो हम पहले ही कॉन्स्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं। अब चेंज क्या हो रहा है इसमें, प्रेशर, प्रेशर के ऊपर मैं देखूंगा क्या होता है। देखो, इसमें पहले ये मॉलिक्यूल्स थे ऑलरेडी, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद में मैंने और इसमें मॉलिक्यूल्स डाल दिए, गैस मॉलिक्यूल सपोज नियॉन की। तो मैं ये बोलूंगा जो इसमें पहले जो गैस थे वो कुछ प्रेशर बना रहे थे, लेकिन अब मैंने ऊपर से नियॉन ऐड कर दिया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने फिक्स रख दिया ना। जब मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा गैस भर, जैसे फुटबॉल में भरते हैं, जब हम उसमें एक्स्ट्रा गैस भर देते हैं तो उसका जो टोटल प्रेशर है पी टोटल, वो इंक्रीज हो जाता है। टोटल प्रेशर, पी टोटल क्या है, पी टोटल मीन्स टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। बात मेरी समझना। अब मान लीजिए इससे पहले नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मान लो 10-10 मॉलिक्यूल्स थे, वो 10-10 मॉलिक्यूल्स चेंज तो नहीं हुए, समझ में ना, और अमोनिया के सपोज 5-6 मॉलिक्यूल्स थे, वो चेंज तो नहीं होंगे वॉल्यूम चेंज करने से, लेकिन ये चेंज, ये जो है ना, ये चेंज हो रहा है, यानी हम जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं नियॉन से। इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, लेकिन टोटल प्रेशर तो बढ़ रहा है ना, इतना तो क्लियर है। क्लियर, और जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, उसकी बात फिलहाल आप यहां पर रख दो। अब अगर मैं बात करूंगा पार्शियल प्रेशर की, किसकी बात, पार्शियल प्रेशर, ने प्रेशर ड्यू टू सपोज एक गैस हाइड्रोजन या दूसरी गैस नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर गैस,
सपोज पार्शियल ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो चेंज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पी बाय एन इसका जो रेशियो है वो भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्लियर। यानी पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है दोनों कॉन्स्टेंट है, तो इनका जो रेशियो है वो भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्लियर। अब और एक बात हम निकालेंगे, अब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केपी, केपी जो है केपी लेते हम पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्ट सॉरी प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, यही लेते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स यही तो लेते हैं। यानी केपी डिपेंड करता है किस पे, पार्शियल प्रेशर पे, ये टोटल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। अब पार्शियल प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रह रहा है यहाँ पे, है ना, ये तो कॉन्स्टेंट है, पार्शियल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर कौन सा चेंज हो रहा है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन पार्शियल प्रेशर कॉन्स्टेंट रह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे गैस ऐड करने से, इनर्ट गैस ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिखूंगा दियर फोर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, राइट। अब हम लेते हैं दूसरा, मैं लिखूंगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मैं देखूंगा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या होता है। देखो मैं लिखता हूं ऐसे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये सबको मालूम है ना। अब प्रेशर रख दिया मैंने कॉन्स्टेंट, ठीक, समझ में आया, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये ऑलरेडी फिक्स रहता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और तो आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो मैं लिखूंगा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। यहां पे तो इसका मतलब यही निकलता है कि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर कॉन्स्टेंट रखने का क्या मतलब है, देखो अगर मैं एक कंटेनर रखता हूं, ये इसमें मान लो ये वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है और इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर है, ऊपर से मैंने इसमें नोबल गेज डाल दिया नियॉन, अब इसका प्रेशर बढ़ेगा। अब मुझे अगर इसका प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ढक्कन है इसको अलो करना पड़ेगा कि ये मूव हो जाए, अगर ये ढक्कन ऐसे फैल जाता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इन्हें प्रेशर को अगर मुझे बैलेंस रखना है, बराबर रखना है, बढ़ने नहीं देना है, फिर मुझे वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं इनर्ट गैस इसमें डालता हूँ तो पहले प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाती है लेकिन उसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ, यानी वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वो कम हो जाएंगे। मान लीजिए अभी पहले एक लीटर में सपोज 1 मिलियन नाइट्रोजन ये थे मोल्स, अब मैंने इसको वॉल्यूम बढ़ा के 2 लीटर कर दिया, अब ये 2 लीटर में ही, 2 लीटर में आ जाएंगे 1 मिलियन, इसका मतलब हाफ ही मिलियन रह जाएगा 1 लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब जो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल इतने, इसमें जो इनका रोप दाब था, जो इनका प्रेशर था पार्शियल प्रेशर, वो ज़्यादा था, जब इतना बढ़ जाएगा तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। यानी वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर्स वो डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। अब अगर पार्शियल प्रेशर्स डिक्रीज हो गए, क्या हो गए, पार्शियल प्रेशर्स डिक्रीज, तो इसका मतलब उससे रिएक्शन पे असर पड़ता है, क्योंकि केपी जो है इट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर्स, नॉट टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर्स, क्लियर।
अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इस N2 में प्लस थ्राइस H2, इट गिव्स ट्वाइस NH3। यहाँ पे मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया, ठीक, और इसके ऊपर इनर्ट गैस डाल दी, इनर्ट गैस डाल दी तो वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, हम वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर कांस्टेंट रह जाए, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना। तो उस सूरत में क्या है, इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, शाबाश, रिएक्शन जाएगी इस डायरेक्शन में, रिएक्शन विल शिफ्ट, शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? ताकि इसका पार्शियल प्रेशर मेंटेन हो जाए, क्योंकि हम जब वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ना प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए, जो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं उससे इनका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। अब वो नंबर ऑफ मोल्स किस सूरत में बढ़ेंगे, अगर हम वापस जाएंगे रिवर्स रिएक्शन में, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में चार मोल्स बढ़ते हैं जबकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे दो ही मोल्स बनते हैं, है ना, समझ में आया। अब अगर यही मेथड हम अप्लाई करेंगे इस पे, H2 plus I2 gives twice HA, क्या इस पे कोई असर पड़ेगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते नहीं। तो याद रखना, अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर मीन्स उसको वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, और उसको मेंटेन करने के लिए वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो रिवर्स, यानी मैं ऐसा बोलूंगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।